हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लिट्टी और चोखा। इसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है, जो है सत्तू, लहसुन, हरा मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, कलौंजी जिसको कोई मंगरेल भी बोलते हैं, आम का अचार, नींबू, धनिया पत्ता, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल। इसे हम इस तरह से काट लिए हैं। अब इन सत्तू में सभी सामग्रियों को डाल रहे हैं एक एक करके। फ्रेंड्स, इसमें हल्दी ऑप्शनल रहता है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। मिर्च आपको जितना तीखा चाहिए उस अनुसार से डालना है। नींबू का आधे नींबू कटा हुआ, जिसे हमें अच्छे से निचोड़ के रस निकाल लेना है। और इन सभी सामग्रियों को इस तरह से अच्छे से मिला के इसका ब्रावन है वो तैयार कर लेना है। अब बारी आती है फ्रेश चटनी की। इसके लिए हमने एक बैंगन, टमाटर, आलू और प्याज ले रखा है। आलू और टमाटर को उबाल लेंगे। और इसके लिए हमने आटे पहले से गूंथ के रखे थे, तो मैं आटे में भरी भर के इसको तैयार कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसको भरना। आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं कैसे भरना है। इस तरह से आपको हाथ को घुमाकर हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह से हमें सारी लिट्टियों को करके तैयार कर लेना है। बारी आती है फ्रेंड्स आग जलाने की, क्योंकि आज हम आग पे ही लिट्टी बनाने वाले हैं। तो देखिए, कोयला की आग जलती हुई और इस पे लिट्टी रख के इसे उलट पलट के अच्छे से पका लेना है। और फिर हमने आलू और टमाटर को तो उबाल लिया था, लेकिन बैंगन को नहीं उबाला था, तो बैंगन को इस गैस पे पकाएंगे इस तरह से जाली पे रख के। ये बहुत ही अच्छे से पक गया है बैंगन। अब इन सभी को, बैंगन, टमाटर और आलू को छील लेंगे। प्याज को बहुत ही बारीक काट लेंगे, हरा मिर्च को भी और धनिया को भी। उसके बाद हम इसके बैंगन के छिलके उतारेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम चोखा तैयार करते हैं। तो बैंगन को छिलकर इस तरह से मसल लेंगे और इसमें मिलाएंगे आलू और टमाटर को भी, और इन तीनों को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया पत्ता, नमक स्वादानुसार और सरसों का तेल, और इसे अच्छे से मिला के हम चोखा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आग पर का लिट्टी और चोखा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।